स्वागत आप सबका वुमन बिग बैश लीग के अंदर। तो यहाँ पे सिडनी सिक्सर्स वुमन फाइनल होस्ट करने वाली है, ये क्वालिफाई हो चुकी है फाइनल के लिए डायरेक्टली। अब आप कहोगे डायरेक्ट फाइनल के लिए कैसे क्वालिफाई कर सकते, अभी तो मैचेस बाकी है। यहाँ पे रूल क्या बोलता है, बिग बैश लीग के अंदर अगर आपकी टीम टॉप पे फिनिश करती है तो आप फाइनल होस्ट करोगे। और जो सिडनी सिक्सर्स है उनका पॉइंट डिफरेंस इतना है कि ये अगर अगले दो मैचेस भी हार जाती है तो भी अब टॉप पे ही फिनिश करेगी। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है इस टीम के लिए। तो देखते हैं किस तरह से टीम खेलती है। अब बैक टू द स्टैट्स चलते हैं वापस यहाँ पे मैचेस की तरफ। मैच है ये सिडनी स्मैश का। जब दो सिडनी की टीम्स खेलती है तो इसको सिडनी स्मैश बोलते हैं। तो ये मैच है सिडनी सिक्सर्स और सिडनी थंडर के बीच में, तो इट इज अ सिडनी स्मैश। वेन्यू रहेगा नॉर्थ सिडनी ओवल सिडनी। मतलब आप पॉइंट टेबल के ऊपर देखते हो ना कि एक टीम तो भाई साहब सबसे टॉप पे सिडनी की सिक्सर्स, और जो एक टीम है वो भी सिडनी की है। फर्क क्या, थंडर है और सबसे लास्ट के ऊपर है। 12 मैच खेला है, एक मैच जीता है। और भाई साहब जो सबसे टॉप पे है सिक्सर्स, 12 मैच खेले 9 मैच जीता है। ये फर्क दिखाता है दोनों टीम्स के बीच के अंदर। दोनों है तो सिडनी की, पर भाई साहब बात हुआ है सिडनी सिक्सर्स टॉप पे। मैच टाइमिंग है 1:35, ये डबल हेडर का दूसरा मैच है इस वेन्यू के ऊपर। तो यहाँ पे यूस्ट पिच रहने वाली है। टेलीग्राम से जुड़ जाओ, उसका फायदा क्या, लाइनअप्स के बाद कोई फर्दर अपडेट्स आती है टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। तो मैं आपसे कह रहा था पिच यहाँ पे यूस्ट रहेगी, ये दिन का दूसरा मैच है। यहाँ पे पहले मैच हो चुका रहेगा सुबह के 10:10 पे, किसके बीच में, एडिलेड स्ट्राइकर्स वर्सेस हॉबर्ट हरिकेन्स के बीच में, उसके जस्ट बाद ये मैच होना है। तो यूस्ट पिच यहाँ पर रहने वाली है। लास्ट टाइम पे मैच हुआ था 16 नवंबर को सिडनी सिक्सर्स और ब्रिस्बेन हीट के बीच में। उसमें इरिन मिन्स ने, एक्लेस्टन ने गजब की पारी खेली थी। इस वेन्यू के ऊपर आप देख सकते हो रन्स अच्छे बनते हैं, अच्छा वेन्यू माना जाता है। 7.5 के आसपास यहाँ पे रन गति होती है और 163 यहाँ पे एक विनिंग टोटल माना जाता है। मैंने जो कमेंटेटर से सुना था 163 यहाँ पे वन मैजिक नंबर है 163, पर लास्ट मैच में अपन ने क्या देखा, 163 बनाया था ब्रिस्बेन हीट ने और चेस हो गया था। बहुत ही मिराकल मैच था वो। उससे पहले 163, 186, 86, 143, 125, 178, 159 इस तरह से स्कोर्स बने हैं यहाँ पे। तो 160 के आसपास स्कोर्स बनते रहते हैं, 150, 160 के आसपास यहाँ पर। और पहली पारी के अंदर 7-8 विकेट यहाँ पे गिरते हैं। इस वेन्यू के ऊपर सिडनी सिक्सर्स ने 18 मैच खेला है, 12 मैच जीता है और 6 मैच हारा है। वहीं सिडनी थंडर 10 मैच खेली है, 5 जीती है, 5 हारी है। होम ग्राउंड है सिडनी सिक्सर्स का, ठीक है। अब देखो इस वेन्यू के ऊपर जिस टीम ने बैट फर्स्ट करा 3 मैच जीता है, जिस टीम ने चेस करा उसने भी यहाँ पर 3 मैच जीता हुआ है। बात करेंगे यहाँ पे किसकी, लास्ट 6 मैचेस के अंदर क्या हुआ है। पेसर्स ने यहाँ पे 33 विकेट निकाले हैं, 33 विकेट्स निकाले हैं। कैसे निकाले, तो आप देख सकते हो यहाँ पर पहली पारी के अंदर 17 विकेट है पेसर्स के द्वारा, दूसरी पारी के अंदर 16, स्पिनर्स के 31 विकेट है। तो कह सकते हैं पेसर और स्पिनर ने लगभग यहाँ पे बराबर का ही काम किया है। जो लास्ट मैच था 16 नवंबर को 6 विकेट पेसर के नाम था, 3 विकेट वहाँ पे स्पिनर के नाम था। वह दफोकस एकदम बढ़िया, कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। आप देख सकते हैं मैच वहाँ पे 7 स्टार्ट होगा और वहाँ पे एकदम बढ़िया सनी वेदर फोरकास्ट है। चलते हैं बैक टू द स्टैट्स। तो यहाँ पे कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आई है। दोनों टीम्स ने आपस के अंदर यहाँ पे 16 मैच खेले हैं। सिडनी थंडर 6 जीती है और भाई साहब सिडनी सिक्सर्स 8 जीती है। 2 मैच यहाँ पर नो रिजल्ट गए, तो फेवरेट तो हमेशा सिडनी सिक्सर्स ही रहेगी जिस तरह से खेल रही है। लाइनअप्स की बात करते हैं तो यहाँ पे सिडनी थंडर के लिए टैमी बर्नट ओपन करती है पॉबल एडशिफिल्ड के साथ, एमी जोन्स आती है, रेचल हैनिस आती है, एनिका लियोड आती हैं, क्लॉय टायरन, सेमी जॉनसन, तालिया विल्सन, हेलन डार्लिंगटन, लॉरा स्मिथ, सैम बेट्स और आपको दिखेंगी बेलिंडा वक्रेवा। चलेंगे यहाँ पर सिडनी सिक्सर्स की तरफ। तो यहाँ पे हैली ओपन करती हैं सुजी बेट्स के साथ, पेरी आती हैं, गार्डनर आती है, रिन बिन्स, निकोल बॉल्टन, एक्लिस्टोन, एंजेलिया गैम्पफोर्ड, चिटेल, कैट पीटरसन, स्टेला कैम्बल आपको खेलते हुए दिखेंगे। लास्ट मैच के अंदर कैट पीटरसन का बेहतरीन स्पेल आया था, 17 रन देके 4 विकेट निकाला 4 ओवर के अंदर। चलेंगे यहाँ पे जब दोनों टीम सामना करी तो क्या हुआ है। टैमी वॉनट ने 10 मैच खेला है, किसके अंदर, हेड टू हेड के अंदर अगेंस्ट सिडनी सिक्सर्स। 26 की औसत है, 215 रन है। तो इस टीम को ठीक ठाक स्कोर्स तो बना चुकी है इसके खिलाफ। देखते हैं इस मैच में क्या करती हैं। नथिंग टू लूज मैच है ये, क्योंकि सिडनी थंडर इसमें जीती तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, हारती तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे गेम्स में कई प्लेयर घातक हो जाते हैं। तो देखते हैं टैमी वॉनट किस तरह से खेलती है। बैट फर्स्ट 30, 29, 28, 3, चेस के ऊपर 57, 50, 6, 2, 10। लिट्ची फील्ड का 5 मैच के अंदर 98 रन है, चेस के ऊपर 46, 26, 12, 3, 11। एमी जोन्स 4 मैच में 117 रन है, 29 की औसत है। बैट फर्स्ट 57, 16, चेस के ऊपर 41 एंड 3 है। रचल हैनिस, ये भाई साहब इनका सेकेंड लास्ट मैच रहेगा पूरे करियर का, लास्ट मैच इनका फिर होगा 20th ऑफ नवंबर के अंदर, इनका लास्ट मैच है। जी आप सही सुन रहे हो,
रचल एनालिसिस के बाद नहीं खेलने वाली है कोई क्रिकेट, ना डोमेस्टिक खेलेंगे ना इंटरनेशनल खेलती हैं, कुछ नहीं खेलेंगी, वो क्लब क्रिकेट भी नहीं खेलेंगे ऐसा कहा था। तो ट्रिब्यूट देते हैं इनको, 14 मैच में 235 रन है, हेड टू हेड के अंदर चेस पे ज़्यादा अच्छे स्कोर्स है। क्लोई टेरन का 5 मैच के अंदर 90 रन है, 29 नॉट आउट चेस पे 19-10-32। सैमी जो जॉनसन का यहाँ पर आप देख सकते हो 12 मैच के अंदर 12 विकेट है, 129 रन विद द बैट है, बॉल फर्स्ट 9 मैच में 7 विकेट है, बॉल सेकंड 2 मैच में 5 विकेट, 4 बार विकेट लग गई है। ताया विल्सन 4 मैच में 31 रन है, डलिंगटन का 6 मैच में 5 विकेट है, बॉल फर्स्ट करा है, 2 बार विकेट लग गई है, 6 मैच खेल के 5 पारी में बॉलिंग करी है। लॉरेन स्मिथ 4 मैच के अंदर यहाँ पर 2 विकेट है, बॉल फर्स्ट के अंदर 2 मैच में 2 विकेट है, 1 बार विकेट लग गई है। सैम बेट्स का 13 मैच के अंदर 7 विकेट है और बॉल फर्स्ट के अंदर 11 मैच में 7 विकेट है, बॉल सेकंड में 1 मैच में 0 विकेट है, 8 बार विकेट लग गई है। वखरेवा की बात करते हैं तो यहाँ पर 13 मैच के अंदर 8 विकेट है, बॉल फर्स्ट के अंदर 11 मैच में 8 विकेट है, बॉल सेकंड में 1 मैच में 0 विकेट है, 8 दफ़ा विकेट लग गई है। वखरेवा एक ऐसी बॉलर है जो बॉल को स्विंग कराती है, अंदर लाती है, नेचुरल इन स्विंग बॉलर है और लाइन लेंथ बहुत अच्छी डालती है। विकेट्स नहीं मिले वो बात अलग है, लास्ट मैच में भी स्पेल बहुत अच्छा था, 3 के आसपास इकोनॉमी थी। स्टार्टिंग ओवर वखरेवा, सैमी बेट्स, डेथ रेट के अंदर डार्लिंगटन, सैमी वखरेवा, पावर सिक्स के अंदर डार्लिंगटन आती है और फिर कोई भी एक आ सकता है जैसे कि सैमी बैट्स और वखरेवा। सिडनी सिक्सर्स की बात करते हैं, हैली ने 15 मैच खेला, 365 रन है और यहाँ पर 26 की औसत है, मतलब अच्छे स्कोर्स हैं इनके, बैट फर्स्ट 55, 44, 44, 40, 19, 15, 14, 9, 4, 1, 22, सिक्स पर 49 है। सूजी बेट्स का 10 मैच में 249 रन, 29 की औसत है, बैट फर्स्ट 79, नॉट आउट 40, 28, 28, 17, 11, 5, चेस के ऊपर 22, 18, 11, तो इनके भी यहाँ पे अच्छे स्कोर्स रहे हैं। पैरी की बात करते हैं तो 15 मैच में 37 की औसत है, 433 रन है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है ये एल एस पैरी। इस मैच में 10 विकेटें भी हैं, बॉल फर्स्ट में 1 मैच में 2 विकेट है, बॉल सेकंड के अंदर 12 मैच में 8 विकेट है, 6 बार विकेट लग गई है, बैट फर्स्ट के अंदर तो बहुत तगड़ी धुलाई करती हैं, 81 81, 74 नॉट आउट, 42 14 नॉट आउट, 28 25 या 20 13 8 7 1 1 12 चेस पे। गार्डनर का 13 मैच में 336 रन से 4 विकेट, 30 की औसत है, बैट फर्स्ट 55, 54, 52 नाबाद, 28 20 16 11 0 0 0 53, चेस के ऊपर 47 है। गेंदबाजी, बॉल फर्स्ट 1 मैच में 0, बॉल सेकंड 8 मैच में 4 विकेट है, 5 बार विकेट लग गई है। यूरियन ब्रिंस 13 मैच में 215 रन है, लास्ट मैच में क्या पारी थी भाई, जितनी प्रशंसा की जितनी कम है, बैट फर्स्ट 46 और 44 है। वहीं बात करते हैं बैट सेकंड के अंदर 38 34 10 है, तो 2-3 अच्छी पारियाँ आई हैं इनकी, 4 अच्छी पारियाँ आई हैं जो 30+ हुई हैं इनकी 13 मैच खेल के। निकोल बॉल्टन का 16 मैच में 376 रन से 10 विकेट है, 5 बार विकेट लग गई है, एक्लस ने 1 विकेट, बॉल सेकंड है, गैनफोर्ड का कोई रोल नहीं था। चिटेल का यहाँ पे 4 मैच के अंदर 8 विकेट है और किस तरह से निकाली है, बॉल सेकंड करते हुए 1 बार विकेट लग गई है, अच्छे फिगर्स हैं यहाँ पे। चलते हैं कैट पैटरसन, एक मैच में कोई रोल नहीं था, इस मैच में इनका रोल रहेगा जितना मुझे लग रहा है। मैटलिन ब्राउन अभी भी अनफिट है जितना सुनने में आ रहा है। स्टेला कैंपबेल का 5 मैच में 2 विकेट है, बॉल सेकंड के अंदर 4 मैच में 2 विकेट है, 2 बार विकेट, इनकी गेंदबाजी कर भी नहीं रही है, ये भी बैक इंजरी से वापसी कर रही है कैंपबेल, तो इनको ओवर्स पता नहीं क्यों नहीं दे रहे। मैटलिन ब्राउन खेलती है तो गेंदबाजी कर सकती है, अच्छी गेंदबाज है। स्टार्टिंग ओवर चिटेल पैरी, डेथर के अंदर एक्लेस्टोन, लॉरा चिटेल, गार्डनर, अगर यहाँ पे मैटलिन ब्राउन फिट होती है तो डेथर में आपको डालती हुई दिखेंगी। पावर सर्च, एक्लेस्टोन, चिटेल। चलेंगे यहाँ पे वेन्यू स्टार्ट्स की तरफ। सिडनी थंडर ने इस वेन्यू के ऊपर टैमी बॉनेट ने 7 मैच में 62 रन कराया, बैट फर्स्ट 27 4 3 2, चेस के ऊपर 16 10। पॉबेल इट्सीफील्ड 5 मैच में 96 रन है, यह डोमेस्टिक के अंदर इसी वेन्यू के ऊपर खेलती है, न्यू साउथ वेल्स का होम ग्राउंड है, नॉर्थ सिडनी ओवल, और यहाँ पे पॉबेल इट्सीफील्ड रन बना चुकी है, शतक भी जड़ चुकी है WNCL के अंदर 50 ओवर वाले फॉर्मेट के अंदर। बैट फर्स्ट 7 है, चेस के ऊपर 52 नॉट आउट, 26 11। एमी जोन्स का 10 मैच में 127 रन है, बैट फॉर 57 25 59 7 6 4, चेस के ऊपर 4, तो 2 अच्छी पारियां आई हैं 10 मैच खेल के, तो उनके चलने की रेशियो क्या है, 1/5। रैचल एनिस 17 मैच 398 रन, 44 की औसत है, इस स्वर्ण पे बहुत अच्छा खेलती है रैचल एनिस। एक अच्छी चीज़ यह है कि जब ये फिनिश करेगी वुमेन बिग बैश लीग तो अपने लास्ट स्टेजेस अपने होम ग्राउंड के ऊपर फिनिश करेगी। ये वही वेन्यू है जहाँ पे 2020 के अंदर इन्होंने खिताब जीता था, कौन सा खिताब, वुमेन बिग बैश लीग का ट्रॉफी उठाई थी रेचल एनिस ने, कप्तान थी। क्लोया टेरन का 4 मैच में 84 रन है, सैमी जो जॉनसन का 12 मैच में 14 विकेट, 2 बार विकेट लग गई है, विद द बैट 69 रन है। ताया विल्सन का 4 मैच में 7 रन है, डलिटन का 7 मैच में 6 विकेट, 1 बार विकेट लग गए हैं, लॉर्न स्मिथ का 16 मैच में 8 विकेट, 5 बार विकेट लस, सैम बेट्स का 12 मैच में 11 विकेट, 4 बार विकेट लस, ब्लेन डेवरेयो का 6 मैच में 4 विकेट है, 5 बार विकेट लस।
चलते हैं सिडनी सिक्सर्स की तरफ, इंपॉर्टेंट टीम भी मैं पॉइंट्स टेबल के ऊपर टॉप पे है। तो हेली ने इस वन पे 29 मैच खेला है, 845 रन्स हैं और 9 दफ़ा 30 का आंकड़ा पार किया है, 6 दफ़ा बैट फर्स्ट करते हुए करा, तो दिखता है ये कितनी अच्छी प्लेयर है। सुजी बेट 7 मैच में 132 रन्स हैं, बैट फर्स्ट 48 के बाद 33-35 जिसके ऊपर 1141 है। पैरी की बात करते हैं, 29 मैच 650 रन 15 विकेट है, 17 बार विकेट लेस गई है पैरी जिस वैनी के ऊपर, ये भी चिंता की बात है। और इन्होंने 29 मैच तो खेले हैं, बैट सिर्फ 20 पारी में करा है, 9 पारी में बैट नहीं करा था, 9 दफ़ा 30 का आंकड़ा पार हुआ है, 7 बार बैट फर्स्ट करना है। गार्डनर 20 मैच में 28 की औसत है, 524 रन है, 15 विकेट 8 बार विकेट लेस गई है, 6 दफ़ा 30 प्लस स्कोर्स है, 5 बार पहली पारी में आई थी। इन इंडियंस की बात करते हैं, 21 मैच 22 के औसत 303 रन है, लास्ट टाइम गजब की पारी थी इनकी। निकोल बॉल्टन 11 मैच के अंदर 158 रन है और 2 विकेट है, 6 बार विकेट लग गई है। एक्लिस्टोन 1 विकेट बॉल फर्स्ट, 1 विकेट बॉल सेकंड, 0 विकेट बॉल फर्स्ट प्लस लास्ट मैच में बहुत अच्छी पारी थी, 47 नॉट आउट की, 1 विकेट डिजर्व करती थी, वैसे तो 2 विकेट डिजर्व करती थी, एक तो स्टंपिंग मिस कर दी थी और एक तो फिर जाके बॉल गैप में गिर गई थी, वो मतलब जानी तो चाहिए थी फील्डर के पास लेकिन फील्डर अच्छे से सेट नहीं किया था वहाँ पे। गैनफोर्ड का एक मैच में कोई रोल नहीं है, चिटिल का 6 मैच में 5 विकेट है, 4 बार विकेट लस गए हैं। चलेंगे आप पे, कैट पैटर्सन का 4 विकेट बॉल फर्स्ट है, कैम्बल 10 मैच में 6 विकेट है, मैकलिन ब्राउन 5 मैच में 3 विकेट है। मैचअप्स की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है टैमी बोनेट वर्सेस पैरी, 298 बॉल 186 रन 10 बार आउट किया हुआ है। तालिया विल्सन का आप देख सकते हो, यहाँ पे पैरी के सामने 9 गेंद 3 रन 2 बार आउट किया हुआ है। रेचल एनिस वर्सेस बॉल्टन 46 बॉल 41 रन 4 बार आउट किया, मैचअप हो गया शायद, इनको बॉलिंग कराई जाती है रेचल एनिस के सामने। एक्लिस्टन ने भी 5 बार आउट किया हुआ है, 193 बॉल में 143 रन देखे। रेड चीफ फील्ड का आप देख सकते हो, यहाँ पर क्लॉइड टैरन का भी आप यहाँ पे देखो, एक्लिस्टन के सामने दिक्कत है, 67 बॉल 48 रन 5 बार आउट किया। एमी जोन्स वर्सेस पैरी 93 बॉल 46 रन 6 बार आउट किया। गार्डनर ने 22 गेंद में 29 रन देखे, 3 बार आउट किया हुआ है। हेली का मैचअप बनता है सैम बिट्स के सामने, 3 बार आउट किया 61 गेंद में 52 रन दे के। वहीं बात करते हैं सुजी बेट्स की, इनका मैचअप बन रहा है किसके सामने, सैम बेट्स, बेट्स वर्सेस बेट्स, सुजी बेट्स वर्सेस समंता बेट्स, 50 गेंद 45 रन 3 बार आउट किया, लास्ट टाइम इन्होंने आउट किया था। पैरी का मैचअप आप देख सकते हैं यहाँ पे बन रहा है सैम बेट्स के सामने अगेन, लास्ट टाइम भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर थी, लास्ट मैच में सीवन के ऊपर जैस डेनिसन, उन्होंने आउट किया था इनको, 76 बॉल 58 रन 2 बार आउट कर चुकी हैं। चलते हैं एश गार्डनर की तरफ, इनका मैचअप बन रहा है सैम जॉनसन के सामने, 19 गेंद 26 रन 3 बार आउट किया, वखरियावा ने 33 गेंद के अंदर 41 रन देके 3 बार आउट किया हुआ है। चलते हैं एरिन बिन्स की तरफ, इनका मैचअप वखरियावा के सामने 19 बॉल 12 रन 2 बार आउट किया हुआ है। कॉमन कैप्टन गार्डनर पैरी, बड़ी लीग में बनाओ एश गार्डनर, एक्लिस्टोन, एलियास पैरी, क्लॉग टायरन, टायरन का यार रिस्की है, मैं डार्लिंगटन का नाम लूंगा उनके बदले, है न डार्लिंगटन, ठीक है उनका नाम ज़्यादा बेटर रहेगा इस लिस्ट के अंदर। और अलग जाना सुजी बेट्स, एमी जोन्स और अलाइस हेली कैन बी द ग्रेट पिक जो अभी फॉर्म में चल रही है। मैचअप उनका थोड़ा सा है पर वो देखते हैं किस तरह से टैकल करती है, मैचअप आप देखते हो तो उनका सैम बेट्स के सामने रहा थोड़ा सा, ठीक है तो देखते हैं किस तरह से टैकल करती है मैचअप को। ड्रीम इलेवन टीम की बात करते हैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रहेगी बहुत, तो यहाँ पर कैप्टन गार्डनर और वाइस कैप्टन पैरी, रीज़न क्या है पैरी को कैप्टन वाइस कैप्टन करने का, 3 से 4 ओवर डाल रही हैं रेगुलर और वन डाउन खेल रही हैं। आप एक्लेशन को कर सकते हो, स्किलफुल बॉलर है, T20I और ODI की नंबर वन बॉलर कौन है, भाई साहब एक्लिस्टोन है, याद रखना हमेशा। तो ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो हमेशा पॉइंट्स के अंदर आपको दिखेंगे, जो पॉइंट्स लेते हैं इस तरीके से, आप खुद देख सकते हो उसके 660 पॉइंट हैं, पैरी के 592 हैं, या तो ऊपर खेलती हैं तो भी। ग्रैंड लीग्स, तो ग्रैंड लीग की बात करते हैं, घबराना बिल्कुल नहीं यार ग्रैंड लीग के अंदर, कई लोग सोचते हैं इसको लूँ या नहीं लूँ, दो टीम बना दो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको लगता है इसको भी नहीं लेना मेरे को दूसरे को ट्राई करना तो 3 टीम बना लो, पर अपने आप को बैक करो, जब आप अपने आप पे ट्रस्ट करोगे, प्रोसेस को फॉलो करोगे, तब आप पक्का वहाँ पे आराम से मैच को निकाल सकते हो। अब देखो हेली टॉप मोस्ट पिक है और एमी जोन्स का ऑस्ट्रेलिया के अंदर इतना अच्छा फॉर्म रहता नहीं है, पर प्लेयर अच्छे हैं ऐसे देखा जाए तो, पर इंपॉर्टेंट हेली रहेंगी फॉर्म वाइज देखते हैं तो। अपन सुजी बेट्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट हैनस भी रहनी चाहिए, स्वेनी पेस ने रनर्स बनाए हैं, लेट ची फील्ड भी इस क्लास प्लेयर, इनका होम ग्राउंड है नॉर्थ सिडनी न्यूवल, इरिन बिन्स ग्रैंड लीग में रोटेट कर सकते हो, इवन यहाँ पे टैमी बोनेट को रोटेट कर सकते हो, दो प्लेयर्स ग्रैंड लीग के अंदर रोटेट करने लायक है। उसमें देखा जाए तो यार ये तो आप सोचो 3 डाउन खेलने आती है इरिन बिन्स, ये ओपनिंग कर दी है टैमी बोनेट, पॉइंट्स का फर्क देखो भाई साहब, दोगुने से ज़्यादा पॉइंट्स का डिफरेंस है, 3 गुना पॉइंट का डिफरेंस है दोनों के बीच में, ये दिखाता है क्वालिटी ऑफ इरिन बिन्स एंड ऑस्ट्रेलिया कंडीशंस में खेलने का एडवांटेज ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को। गार्डनर इंपॉर्टेंट है, सेमी इंपॉर्टेंट है, पैरी इंपॉर्टेंट है,
और मैटलिन ब्राउन खेलेगी तो आप ले लेना, इंपॉर्टेंट हो जाएंगी वो। सैमी जो जॉनसन, देखते हैं किस तरह से इनका रोल रहता है, चार ओवर डालती है तो इंपॉर्टेंट हो जाती है हमेशा। एक्लस्टन इंपॉर्टेंट, सैम बेट्स इंपॉर्टेंट है, चटेल का भी महत्व रहता है। अब यहाँ से मेरे लिए बॉलिंग सेक्शन में दो प्लेयर्स, तीन प्लेयर्स ऐसे डिफरेंशियल्स हैं। एक तो वखरेवा स्किलफुल बॉलर है और बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रही है यार, ग्रैंड लेग में जरूर ट्राई करना। डेलिंगटन बैट करती है, बॉल करती है, दोनों कर लेती हैं। इनको तो मैं स्मॉल लीग में भी लूँगा, ग्रैंड लीग में भी लूँगा। केट पैटरसन ग्रैंड लीग में रोटेट कर सकते हो, लास्ट मैच बहुत अच्छा किया था, बड़ी मछलियाँ फंसाती हैं। इन्होंने लास्ट टाइम हरमनप्रीत कौर का आउट किया था, इस बार ग्रेस हैरिस को आउट किया, फिर लॉरा हैरिस का आउट किया, तो बड़े बड़े प्लेयर्स को आउट करती हैं वो। और कोई भी फर्दर अपडेट्स आई दे दूंगा टेलीग्राम के ऊपर कैसे जुड़ना है, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल मैं कमेंट सेक्शन प्लस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, नीचे आप जुड़ सकते हो। और अगर आपको स्टैट्स चाहिए, वीडियो में सारे दिए हैं सब स्टैट्स, तो आप क्या करना, वेबसाइट अपनी statsguruji.com करके आप वहाँ पे जाके स्टैट्स को रिचेक कर सकते हो। तो देखते रहे स्टैट्स गुरुजी, अपने वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के साथ अगर आपको पसंद आती है इन्फॉर्मेशन। जय हिंद, लव यू गाइस, मिलते हैं अगली दफ़ा।